नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राठौड़ और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड गेमिंग अड्डा आईटी चैनल। दोस्तों, क्या आप आज 20 का अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपडेट कब आने वाला है? क्या आप जानना चाहेंगे कि अपडेट में क्या क्या फीचर्स आएंगे? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी करे हम वीडियो में जाते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, अपडेट कब आएगा? अगर आप RC22 का फॉलो हो रहे तो आप दो बंदे को ज़रूर जानते होंगे। एक बंदा है आसकावी, दूसरा बंदा है साहिल भट्ट। इन दोनों बंदा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इन दोनों को जो पिछले वीडियो देखा जाए तो इन्होंने उस वीडियो में क्या बताया, हालांकि आप ये हमें कभी भी डायरेक्ट में इंफॉर्मेशन जो है कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है तो ये कभी हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने क्या कहा देखा जाए तो हमें पता चल जाएगा कि अपडेट कब आएगा। कभी ने अपना वीडियो में बताया कि कंपनी ने सोच रही है कि अपडेट को किसी भी हालत में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ला जाए, क्योंकि अपडेट स्पेशल बनाया जा रही है वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर वर्ल्ड कप के बाद आएगा तो बना के क्या फ़ायदा। तो किसी भी हालत में कंपनी ने अपडेट को वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही लाएगी। इसका मतलब हो गया कि अक्टूबर 16 से पहले अपडेट आना चाहिए। और ये उन्होंने ये भी बताया कि अगर बग्स ज़्यादा हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ गए तो मोस्ट वर्स्ट सिनारियो, मतलब भूरे से भूरे अगर बग्स आए फिर भी गेम उसे मिड अक्टूबर, मतलब मिड वर्ल्ड कप, मतलब आपको सेकेंड वीक, जो अक्टूबर का सेकेंड वीक है वहाँ तक कि आपको अपडेट मिल जाएगा। ये कब, जब भूरा हालत, मतलब गेम का बहुत भूरा हालत चल रहा हो तब की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल गेम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बग नहीं है, एकदम स्मूथ रन हो रहा है, ये मालूम हुआ कि अपडेट एकदम सही चल रहा है। तो दूसरी बात देखा जाए तो साहिल भाई ने जो मोस्ट रिसेंट आज सुबह का वीडियो में ये बताया कि अपडेट, वो ये नहीं बताएंगे कि अपडेट कब आने वाला है, लेकिन वो ये ज़रूर बताएगा कि अपडेट ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत 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 करीब है। इसका मतलब है कि अपडेट इस वीक में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इसको और भी डीप एनालाइज करके देखें तो शायद मुझे लगता है 2 या 3 दिन के अंदर अपडेट आना चाहिए। ये हो गई अपडेट कब आए का सवाल की जवाब। अगर आपको कंफर्म हो चुका है कि अपडेट कब आ रहा है, तो अपडेट आ रहा है इस वीक में और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 2-3 दिन के अंदर अपडेट आ जाएगा। अब दूसरी सवाल है कि क्या क्या फीचर्स आने वाला है। अगर आप आकाश चोपड़ा सर का चैनल फॉलो करते हो और रियल क्रिकेट का पेज को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको फीचर्स का अपडेट जो है वो रेगुलरली मिलते हुए दिखे हैं। कहीं पे न्यू बॉलिंग एक्शन दिखा है, कहीं पे न्यू बैटिंग, न्यू स्टेडियम्स दिखा है, कहीं पे न्यू जर्सीज दिखा है, कहीं पे न्यू गोल्ड शॉट्स दिखे हैं हमें। कंपनी ने इस बार बहुत ही अलग तरीके से प्रमोटिंग कर रही है गेम को, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं करता था, लेकिन इस बार कंपनी ने अलग कर रहा है कि जो फीचर्स उन्होंने ला रहे हैं वो पहले ही हमें दिखा दिया कर रहे हैं। अगर आप देखे जाए तो 5 से 6 बॉलिंग एक्शन दिखा दिए, 7 स्टेडियम तक आप हमें देखने को मिल चुके हैं अभी तक। और न्यू जर्सीज, आपको ध्यान दिला दूं कि मैं वनडे और T20 का अलग अलग जर्सीज न्यू आने वाली है, अभी तक जो गेम में थे वो पुराने हैं, अभी न्यू आने वाले हैं। तो पहला फीचर है बॉलिंग एक्शन, हमें करीब से करीब 20 बॉलिंग एक्शन देखने मिलने वाले हैं। उसमें से कुछ लेजेंडरी बॉलिंग एक्शन है तो कुछ अपकमिंग जैसे रवि बिश्नोई जैसे यंग प्लेयर का बॉलिंग एक्शन भी शामिल किया गया है। और दूसरा फीचर देखा जाए तो न्यू स्टेडियम्स, इस वर्ल्ड कप, ये जो 22 का वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो ऑस्ट्रेलिया का सारे वर्ल्ड कप की जो स्टेडियम्स है वो उन्होंने इस गेम में ऐड कर दिया है। और उसके साथ साथ 2 इंडिया के बड़े स्टेडियम्स, एक पुणे और एक वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी ऐड किया गया है। तो ये स्टेडियम की बात हो गई।
तीसरा फीचर का हम बात करें तो न्यू जर्सीज, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि न्यू जर्सीज आने वाले हैं, वो भी ओडीआई और टी20 के लिए सेपरेट सेपरेट न्यू जर्सीज आने वाले हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि न्यू जर्सीज आने वाले के बाद पुराने जर्सीज रखेंगे या रिमूव कर देंगे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो रखना है नहीं रखना है, वो कंपनी के हिसाब से चलेगा वो। लेकिन कंफर्म हो चुका है कि न्यू जर्सीज आएंगे। तो तीसरा फीचर ये हो गया। और चौथा फीचर जो है वो हमें देखने मिलने वाला है, स्क्वाड अपडेट। अगर आप करंट कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो और उसके हिसाब से आपका स्क्वाड सेलेक्ट नहीं कर पाओगे तो खेलने में मज़ा नहीं है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट ऑल टीमों के, ऑल नेशंस के करंट जो स्क्वाड है, जो भी बंदे अभी तक डेब्यू कर चुके हैं, उन सभी का आपको नाम लिस्ट में देखने मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी, एकदम मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, क्योंकि बिना स्क्वाड के खेलना मज़ा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। और जो लास्ट फीचर है वो है मल्टीप्लेयर का, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि मल्टीप्लेयर का जो सीज़न 2 है वो आने वाला है। और उसमें क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं ये तो कंफर्म नहीं है। आज सुबह जो साहिल भाई के वीडियो था उसमें हमने देखा है कि 2v2 और कोऑपरेटिव मोड और जो स्पेक्टेटर मोड्स है वो अभी भी ऐड नहीं की गई है, मतलब अभी उनके लिए थोड़ा और टाइम है, कुछ दिनों के और कुछ अपडेट के बाद वो ऐड होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल खाली जस्ट सीज़न 2 आएंगे, इसका मतलब है नए प्रो प्लेयर आएंगे और शायद कुछ न्यू प्लेयर्स ऐड हो सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों, सब लगता है आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, बाय।